अस्सलाम वालेकुम। नाजी प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ, सदर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो जो इलेक्शन कमीशन है उसके मामलात में ना कोई दखल अंदाजी करे और ना ही कोई ऐसा ऑर्डर जारी करे, वरना उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगी। मरियम औरंगजेब का ये बयान इस वक्त चल रहा है हमारे पास भी। उसके अलावा पाकिस्तान में मजहबी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके नतीजे में लोगों को कत्ल किया जा रहा है। आज इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे जर्मनी से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम साहब। खान साहब, ये सदर के कोई इख्तियारात है पाकिस्तान में? सदर जी हेड ऑफ द स्टेट है, सारे इख्तियार उसी के पास होते हैं। लेकिन उसको क्यों फिर अंडर प्रेशर किया जा रहा है कि यहाँ पे आप कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकते? देखें, वो कोई ऐसा हुक्म तो बाहर जारी नहीं कर सकता जो आईन के खिलाफ वर्जी है। आईन ने हर इदारे को बाद इख्तियार दिए हुए, सदर का जो आने सदर है, जो मुल्क का जो सदर है, उसको भी इख्तियार दिया हुआ है। जी। वो अपने इख्तियार से तजावज नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन है, उसको भी बाद इख्तियार दिए हुए हैं। अब इन्होंने आईन में जो तरमीम की थी उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट कर दिया था। सिर्फ ये है कि भाई जो खर्चा है इलेक्शन कमीशन का वो पूरा करेगा, हुकूमत पूरा करेगी, लेकिन इलेक्शन करवाना इंडिपेंडेंट होंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है, उसके अंदर कोई शख्स मुदाखलत, सदर ही मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन उसके अखराजात जो है बहरहाल हुकूमत ने उठाने होते हैं। यही हाल सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, ना कोई सदर ना कोई वजीर आजम, लेकिन उसके अखराजात भी जो है वो हुकूमत ने उठाने होते हैं। तो इस लिहाज से सदर ऑल इन ऑल नहीं होता, इख्तियार में कोई वजूद है उसका, कहा वह कानून नहीं है, उसने वो कहना है जो कानून उसको इजाजत देता है। और इलेक्शन कमीशन ने के जो उन्होंने खत लिखा था सदर पाकिस्तान ने, उससे ये सारी बहस जो है वो शुरू हुई है। और बेहतर ये था कि वो इलेक्शन कमीशन से खुद गुफ्तगू कर लेते, उनको उनसे मिल लेते। मांग जो जाते हैं ना, दो दफा लाहौर चले गए, अपने सदर पाकिस्तान होते अपने पार्टी के चेयरमैन के पास चल गए, जबकि वो पार्टी के मेंबर नहीं है। तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन से भी गुफ्तगू कर देते थे। जब आप हदों ग्राउंड में चीज को डाल देते हैं तो फिर कानूनी गेम गोइयां जो है वो शुरू हो जाती हैं। अब जाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियार है, उसको आईन इंडिपेंडेंट इंतखाबात करवाने की इजाजत देता है, तो वो क्यों उनकी बात सुनेंगे? अगर आपस में अफहाम तफहीम से बातें चल पड़े तो यही पाकिस्तान में मसला है कि हर इदारा अपने आप को कुल मुख्तार समझ के और एक ऐसे माहौल पैदा करता है जिसमें आपस में चप्पल शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और बात जो है उससे बिगड़ जाती है, संभलती नहीं है। और यही हम देख रहे हैं कि अब ये जो इलेक्शन होना है जिमनी इंतखाबात, उसमें भी यही कैफियत पैदा हो गई है। अब हुकूमत एक तरफ खड़ी हुई है, अपोजिशन एक तरफ खड़ी हुई है, चीफ इलेक्शन कमीशनर एक तरफ खड़ा हुआ है, सदर पाकिस्तान एक तरफ खड़ा हुआ है, एक पार्टी बन के। खान साहब, ये भी इतला है कि कोई ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगले दिनों में कोई मार्शल का वहां पे मार्शल लाने की तैयारी की जा रही है? देखें, जब इदारे फेल हो जाते हैं तो फिर फौज के पास एक जवाज बन जाता है ना। एक सबसे बड़ा जवाज तो फौज के पास इस वक्त ये है कि भाई जो सेटअप है हुकूमत पाकिस्तान का, उसको चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इतनी बड़ी नेशनल असेंबली के मेम्बरान की तनख्वाहें देनी है, सेनेट है, इंसान बड़े बड़े जो इदारे जिनको पर पैसा खर्च हो रहा है, वो हुकूमत के पास खानदाना खाली पैसे देने को है नहीं, तो कम से कम वो ही बचाया जाए। और आपको पता है बाहर से कर्जे मिल नहीं रहे, कर्जों में हमारे मुल्क चल रहे थे, उन्हीं से इनके खर्चे पूरे किए जाते थे, वो अब मिल नहीं रहे। कल जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जियो, उन्होंने जो बयान दिया है पाकिस्तान के बारे में, वो दुनिया के लिए मैसेज है। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, कि पाकिस्तान से डील करते हुए आप सोच लें। उन्होंने ये अल्फाज तो नहीं कहे, लेकिन यह है कि ऐसी बातें वहां उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में करने का, जबकि वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के स्पीकर में शामिल नहीं थी, वहां उन्होंने प्रेस के नुमाइंदों के साथ मिलकर अलग बैठ के पाकिस्तान की सारी सूरत हाल जो बयान कर दिया। अल्फाज मुनासिब नहीं, लेकिन
है यही, उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह नंगा कर दिया कि भाई ये हाल है मुल्क का, डील करनी है उनके साथ तो सोच के करना। खान वो साहब कहती है कि हम 6.5 अरब हमसे मिलना है इनको जो 30 जून तक के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान को अगले साल के लिए 27 अरब डॉलर चाहिए, और वो कोई पेरिस क्लब हो या नॉन पेरिस क्लब मेंबर्स हो, ना वो कर्जा दे रहे हैं ना हम मजीद इस मामले में उलझना चाहते हैं इनके साथ। खान साहब एक ये बड़ा कल औराब है क्या हमारे, क्या हमारी अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही? फिर केड़ा इलेक्शन थे, केड़े मेंबर थे, केड़ी असेंबली, जब हालात ये होंगे तो। खान साहब ये एक अगर ये इस किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं, जो इस्लामाबाद से बात खबरें ऐसी आ रही हैं कि हमारी डिस्कशन शुरू हो रही हैं, तो फिर हालात की मजबूरी के तहत ही ऐसा कदम उठाया जा रहा होगा। खान साहब एक बड़ा अहम सवाल है। एक तरफ हमारे पास पैसे नहीं इलेक्शन के लिए, एक तरफ जिन्होंने इस्तीफे दिए थे उन्होंने कहा हमने इस्तीफे वापस लेने, जिमनी इलेक्शन करवाए जाए, एक तरफ अदालत ने उनको रोक दिया, ये पैसे भी नहीं है, फिर उनके इस्तीफे भी मंजूर फौरी तौर पे किए गए और समझ से बाहर है कि कौन फैसले कर रहा है इस तरह के। देख रहे हैं, यही तो भारत है, कोई भी हुकूमत जो है वो इस तरह हालात में घिरी हुई है कि एक सिरे को पकड़ते हैं तो दूसरे सिरा नंगा, सर की तरफ हम चादर को, पैर नंगा होता है, पैर नंगा सर नंगा होता है। इसलिए इन हालात में पाकिस्तान घिरा हुआ है, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और उनमें एक प्रॉब्लम को सही करने लगे तो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो सर उठाने लगती है। इसलिए मुल्क ऐसी हालात को पहुंचा हुआ है जो साफ नजर आ रहा है कि इनसे चल नहीं रहे, और तमाम मामला जो है इसी तरह बाजार ये नजर आता है कि डूब जाएंगे। कोई भी किसी जैसे कहना नहीं, कोई काम भी जो है वो अपने पाए तकमील को पहुंचता नजर नहीं आ रहा। खान साहब इमरान खान की गिरफ्तारी आप देख रही हैं, क्योंकि FIA की एक टीम बना दी गई है और अदालत में भी आज उसने पेश होना है। अभी जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं यही बताया जा रहा है कि आज पेश होंगे इमरान खान साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा इमरान खान को? देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी जो है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या कोई अनहोनी बात नहीं है कहना चाहिए, इसलिए कि सारों ने गिरफ्तारियां ही हुई है सब। अब तमाम सियासी लीडर जो है, सियासी लीडर हमारे मुल्क के माहौल में तो हर वक्त गिरफ्तारी के लिए तैयार होता है। कौन सा सियासी लीडर है जो जेल में नहीं रहा होगा? जितने भी नुमाया नाम आपको सियासत में नजर आते हैं सब अपने अपने वक्त में जेल में रहे हैं। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं, किसी न किसी कानून के तहत ही गिरफ्तार किया जाएगा ना। वहां भी फिर वही जमानतें जमूनते चलेंगी और जमानतें हो जाएगी, कैसी में होगी, जो खेल हमारे सियासत का है चलता रहेगा। लेकिन बाकी इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। उस पर दोबारा हमला भी हो सकता है। हमला करवाने वालों को है या वो करवा, देखें जो कुछ कल फिर उन्होंने जो बयान जारी किया है आपके, ये जो अस्करी पसंद ग्रुप है आपका, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आपका बयान दिया आपने, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सिर्फ साफ कह दिया कि भाई हम हमारे हमले बंद नहीं होंगे। खास साहब हमारे पास आप क्या समझते हैं कि कोई जो भी इदारे हमारे जो सिक्योरिटी के हैं वो सोए हुए हैं कि घरों में आके रोजाना हमारे वो हमला करके चले जाते हैं या मारे जाते हैं, तो इनको इतला क्यों नहीं होती? ये कराची वाकया, पिशावर वाकया, और फिर आप अभी जिस तरह बता रहे हैं कि और भी वाकयात होंगे। देखें, जो पहले इन्होंने कामयाबी हासिल की थी उसकी वजह ये थी कि इनके बंदे अंदर घुसे हुए थे, खुद उस वक्त हुकूमत के लोगों ने ये बात बरसरेआम कही थी आखिर में कि भाई हम आप कोई फैसला करते हैं वो फैसला अभी कैबिनेट रूम से बाहर नहीं जाता, तो वो उन तक वो इतलाएं पहुंची भी होती है। इन्होंने अपने बंदे इन तमाम इदारों के अंदर, सिक्योरिटी इदारों में और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में, हर जगह अपने बंदे जो है वो दाखिल किए हुए हैं जो इनकी मदद करते हैं और इनको इतला पहुंचाते हैं कि भाई कहाँ दी हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की क्या आवाज जो है वो उठाते हैं, वो हुकूमत को चक्कर देने में कामयाब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब उन्होंने कल सब कहा है तालिबान ने कि पुलिस एहलकारों को चाहिए कि वो गुलाम फौज के साथ हमारी जंग से दूर रहें। इसका मतलब है कि वो कहते हैं हमारी असल जंग जो है वो पाक फौज के साथ है, जिस तरह हमने अमरीकनों के साथ जंग लड़ी, जिस तरह हमने इतिहादी मुल्कों के साथ जंग लड़ी, और उसके लिए जो आप सपोर्टिंग पर्सन है पुलिस को कह रहे हैं,
तो बसूरत दीगर आला पुलिस अफसरान की महफूज पनाहगाहें पर हमले जारी रहेंगे। सिक्योरिटी इदारे जाली मुकाबलों में बेगुनाह कैदियों को शहीद करना बंद करें वरना मुस्तकबिल में हमलों की शिद्दत बढ़ जाएगी। ये अमीर तालिबान का नया खत है जो नेट पर मौजूद है। इसका मतलब है कि हालात मजीद खराब होने हैं और एक खुली जंग जो है उसका ऐलान है। वो कहते हैं गुलाम पाक फौज गुलाम फौज के साथ हमारी जंग से दूर रहे। असल नुकता उन्होंने पाक फौज को कमजोर करना है। अब आया ये उनकी अपनी सोच है या ये किसी बैरूनी ताकत के वाला कार बने हुए हैं और पाकिस्तानी फौज को कमजोर करना चाहते हैं ताकि क्योंकि फौज ही है जो एक मजबूत इदारा है जो फौज मुल्क की बका की जमानत है और उसको वो तोड़ना चाहते हैं और उसके लिए ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। खास साहब फौज की आपने बात की, जो हमारे लोग हैं वो भी फौज के साथ वो मोहब्बत आपने नहीं, उनकी आम फौजी के साथ तो है मगर जो कुछ चीजें पिछले दिनों सामने आई हैं उसकी वजह से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये भी नुकसान देंगी। जाहिर बात है नुकसानदेह बात है कि भाई फौज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है बिजनेस के अंदर। तमाम बड़े बड़े इदारे जो है फौज ने अपने हाथ में लिए हुए हैं और तमाम बिजनेस वो फौजी फाउंडेशन के नाम पर शहीदों के नाम पर इन्होंने पूरी इंडस्ट्री भी बना दी जिसके अंदर तमाम जो हाई अफसर है वो रिटायर होता है, फौज से पैसा भी मिलता है, फौज से जमीन भी मिलती है, उसके बाद नई नौकरी जो है वो तैयार खड़ी होती है उसके लिए। और आम फौजी जो है वो बेचारा उसी तरह धक्के खाता है उनके मुकाबले में। तो आम फौजी से तो मुल्क की हमदर्दी कायम है आवाम की, लेकिन फौजी जो हुक्मरान है अब सोशल मीडिया की वजह से हर चीज बाहर आ जाती है। ये सिलसिला को आज का तो नहीं है, पुराना सिलसिला शुरू हुआ कई पिछले 20-30 साल से, यूफान के जमाने में इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी थी। लेकिन ये क्या सोशल मीडिया पे हर चीज को चीज छुपी रहती नहीं है, एक मुल्क के अंदर बाहर आ जाती है। अभी भी देख लें जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के नए बने हैं इनाम हैदर साहब लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने जो कई लाख रुपए जो अब तकसीम की है आपस में वो उसकी भी तो स्टोरी बहुत है। तो हर चीज जो है वो छुपी हुई नहीं रहती, इसलिए रिएक्शन भी जो है वो ज्यादा जल्दी जो है बाहर आना शुरू हो गया और लोग जो है वो इसलिए अफसान के खिलाफ होना शुरू हो गए। खासा जर्मनी में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई वहां बुलावल भी थे, वहां की क्या खबरें? देखिए ये बड़ी अहम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है ये भी, और जो डावोस डावोस में होती है स्विट्जरलैंड के अंदर जनवरी का आखिरी वीकेंड पे, और ये होती है फ्रंट के मिडल में, इनमें बहुत ज्यादा हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं। आज भी इस जो म्यूनिख की थी इसमें भी 72 हेड ऑफ स्टेट्स थे वो आए हुए थे 3 दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर। इन्हें कोई फैसला करने का इख्तियार तो नहीं होता लेकिन जहाँ जो तकारीर होती है ना उससे पता लग जाता है कि भाई दुनिया के हालात क्या है, ये बड़ी ताकतें क्या सोच रही है, ये इनकी डायरेक्शन क्या है, इन्होंने मुस्तकबिल में क्या करना है, छोटे मुल्कों के लिए महकूम मुल्कों के लिए इनके फैसले क्या है, वहां पर इस किस्म की बातों जो है वो बाहर आनी आ जाती है। वहां पर माली मामलात सामने आते हैं, यहाँ पर सियासी मामला जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे सामने आ जाते हैं। और हैरानगी की बात है कि किसी एक ने भी पाकिस्तान के हालात पर कोई तबसरा नहीं किया। यानी ईरान और सऊदी अरब के मामलात भी वहां डिस्कशन में आए हैं, तकरीरों के अंदर भी जिक्र आया है, इसका जवाब भी दिया है सऊदी वजीर खारजा ने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी ने कोई रिएक्शन ना कश्मीर का नाम किसी ने लिया ना पाकिस्तान किन हालात में घिरा हुआ है, सिक्योरिटी मामला के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसी पर कोई तबसरा कर देता। और जो बिलावल भुट्टो साहब ने सैटरडे के दिन तकरीर किया उस पर किसी ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया और बल्कि उनकी तकरीर को जो है नापसंद किया गया है, इसलिए कि उन्होंने दुनिया पे ये जिम्मेदारी डाल दी है कि नहीं वो पाकिस्तान के अंदर जो है ये असकरी तो सब्जी को फरोग दे रहे हैं। बल्कि यहां तक नहीं कहा कि भाई अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम दहशत गर्दी पाकिस्तान से बाहर दूसरे मकाम पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब ये तो दुनिया के किस्म की धमकी देने वाली बात है ना, अगर आप अपने मुल्क को संभालें आप दूसरों से क्यों कहते हैं कि भाई आप हम हाँ हमारी दूसरे क्या मदद कर सकते हैं आपके साथ। अगर आप अस्क्रियत पसंद अपने मुल्क में पैदा कर रहे हैं मदरसों की सूरत में जिस भी सूरत के अंदर
जो तंजीमें आपकी बनी हुई हैं वहां पर, उनसे आप गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या इस किस्म के नाम की कई तंजीमें बनी हुई हैं, जी उनके साथ आपके मुजाकरात करने के लिए, मेज पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो दुनिया इसमें क्या आपकी क्या मदद कर सकी है? अब जो है उसकी तकरीर जो है उसने कहा कि भाई सारी जाति जो उन्होंने अफगानिस्तान रियासत पर डाल दी है, तो भाई अफगानिस्तान वाले ये करवा रहे हैं। अफगानिस्तान वाले तो खुद तालिबान असले के जोर पर हुकूमत में आए हैं, वो कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है, तो वो किसी दूसरी मुंतखब हुकूमत को कैसे सपोर्ट करेंगे? जो खुद असले के जोर पर आए हैं और असली ग्रुप बन के उन्होंने इकदार पर कब्जा कर लिया है, वो लाजमी पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही चाहते हैं कि भाई उस इन पाकिस्तान में भी अस्क्रियत पसंद ग्रुप जो है उनको ताकत मिले। और आप देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई वाकया जो है हो रहा है, जो अस्क्रियत पसंद ग्रुप है उन्हें ताकत मिल रही है पाकिस्तान में, सपोर्ट हासिल हो रही है, और हमेशा कमजोर पर पहले हाथ हाथ डाला जाता है। आप देख रहे हैं एमजे कम्युनिटी एक कमजोर कम्युनिटी है मुल्क की आबादी के लिहाज से, उन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, मुसलसल उनके साथ वारदातें हो रही हैं। कल भी गुजरात के अंदर एक 70 साल के होमगार्ड डॉक्टर रशीद साहब को मार दिया है, हाँ सर, पुलिस से कहते हैं पकड़ लिया है दूसरा आदमी, उसके साथ क्या सलूक होता है, लेकिन हाफिज इनाम जिसने मारा है बाद में उसकी लाश भी जो है वो मिली है खेतों से, ये एक नए झगड़े वाली बात जो है वो उसकी। इस तरह कसूर के जो सदर जमात है उनकी दुकान के आगे नारे लगे हैं और उनको घेर लिया मोटरसाइकिल के ऊपर, वो पुलिस पहुंच गई तो उनको लेके गए हैं, लेकिन ये कि जो नारे लगाने वाले हैं आप उनके चेहरे देखें उसे अंदाजा लगाएं कि तमाम पता लगता है कि हाँ ये असली ग्रोह के लोग हैं। तो ये असली पसंदी जो है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ही कंट्रोल करनी है, हाँ और सर, इसको यकीन सपोर्ट हासिल होगी। मैं नहीं कहता जो बाहर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सोचने वाली बात यह है मुबारक साहब कि ये हालात पाकिस्तान में क्यों पैदा हो सकते हैं, ईरान में क्यों नहीं होते? जितने पाकिस्तान में अफगान महाजर आया उससे ज्यादा अफगान महाजर ईरान में आया है, वहां तो ये हालात पैदा नहीं हुए, वहां भी तो बॉर्डर मिलता है ईरान का अफगानिस्तान का, वहां हुकूमत का अपना फुल कंट्रोल है इन मामला के अंदर, वहां किसी को कुछ अकड़ नहीं देते वो किसी अस्थिर पसंद ग्रुप को, किसी मजहबी इंतहा पसंदी को, जो उनका अपना है राबर उन्होंने बनाया उसी की पॉलिसी चलती है, दूसरी पॉलिसी को बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ हर कोई अपनी मस्जिद ग्रेडिंग की मस्जिद अलग बना के बैठा हुआ है और जो चाहता है कर रहा है, पर हुकूमत उसमें नाकाम है। खान साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत ये मजहबी नफरत खत्म कर सकती है? ये तो खुद मजहब को इस्तेमाल करते हैं, मजहबी लोगों को इस्तेमाल करके इस तरह के वाकयात, इसीलिए इजाफा हो रहा है। यही तो रोना है कि तमाम सियासी जमातों ने इस तरह मजहब को इस्तेमाल किया है सियासत के अंदर, और उसका एक ही है कि लोगों के मजहबी जज्बात भड़काओ, उनको फिर इस्तेमाल करो अपने मकासद के लिए। यही फौज ने किया, यही हमारे सिविल इदारों ने किया, यही हमारे जो सियासतदान है उन्होंने किया, जिसका नुकसान जो है वो उठा रहे हैं कि आज हर कोई एक दूसरे के गिरबान पकड़ने को तैयार हुआ है। खास साहब, कल इंतहा जो पसंदी बाकी है कि वो अब इस डगर पर चल पड़े हैं कि उन्होंने कब्जा करके रहना है इस मुल्क के ऊपर। कल जो मुझे भी वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने भी देखी, मुझे किसी ने भिजवाई भी थी, ये जो इस्लामी तालीमात है वो तो किसी को, इस्लाम तो कहता किसी को तकलीफ भी ना दे, तो ये लोगों को घेर के उनकी बाइक के इर्द गिर्द नारे लगा रहे थे, लबैक या रसूलल्लाह, मगर रसूलल्लाह ने तो मेरा ख्याल कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, तो कौन सी तालीम पे चल रहे हैं ये लोग? देखिए ये सिर्फ कोई तालीम की बात नहीं, सिर्फ मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो नारे लगाते हैं उसमें कौन सा इस्लामी तालीम का नारा है? सर तन से जुदा, सर तन से जुदा ओपन पाकिस्तान की गलियों में लग रहा है, कल भी कसूर में लगा है, कसूर के सदर जमात को पकड़ने वालों ने, तो ये तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं और एक फिजा ऐसी कायम कर रहे हैं कि भाई जिसके अंदर मजहब जो ताकते हैं या मजहबी इंतहा पसंद लोग जो हैं वो मुल्क पर कब्जा करना चाहें तो उनको कोई रोकने वाला ना हो, उनका कोई मुकाबला करने के लिए सामने ना आए। खास ये तो जी, फौज की जिम्मेदारी है कि वो जब उसने कहा है कि हम साजिश में दखल देंगे तो इन लोगों से मुल्क को महफूज करें, जो पीछे माजी में हो गया तो हो गया, अब तो उन्हें अकल करनी चाहिए और इन लोगों को दबाना चाहिए, इनके ऊपर जो है जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं उसमें फौज ही रुकावट है और फौज ही उसको रोक सकती है।
खान साहब फौज कहती है हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अब या हमारा तलक नहीं है, तो जो जो बेड़ा गर्क हो गया वो, ये आप समझते हैं जो लोग गवर्नमेंट में या अपोजिशन में ये ठीक कर लेंगे? देखें, अगर इंसान का अजम हो तो इंसान कामयाब हो जाता है, वो ऐसी बात नहीं है। जिस तरह राहील शरीफ ने कदम उठाया था, अगर वो जारी रहा था तो अब तक के मामला सफाया हो गए होते। आपने एक एक बंदे को हटा दिया, खत्म हो गई बात, वो नए लोग आ गए, उन्होंने ऊपर अपनी पॉलिसी चला दी। एक जामे पॉलिसी बन जाए और फिर जो भी इकदार में आए अपनी टर्न पूरी करके जाए, जो नया आदमी है वो उसी पॉलिसी को लेकर चले, मुल्क की जमानत बने वो पॉलिसी, और उसको हालात के मुताबिक उसको बनाया जाए। फिर लोग जो बदलते रहे, सियासी पार्टियां बदलती रहे, वो पॉलिसी कायम रहनी चाहिए जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, तब तो ये काबू पा लेंगे, नहीं तो हालात जिस महत पर है। अब तो वैसे ही जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें यही है कि भाई शायद अगला बजट हम पेश ना कर सकें। खान साहब, बजट के अलावा भी बड़े मामले आते हैं, बेशुमार मसाइल हैं पाकिस्तान के, और सारा दिन आप तकरीरें सुनते हैं किसी की भी, तो उसमें कोई अवाम के मसाइल का हाल तो मैंने नहीं सुना। आपने कुछ सुना आपस में इनके इतने मसले और इतने, ये तो जैसे पंजाबी फिल्मों में नहीं चल रहा था वो सीन चल रहे हैं। वो सियासी आपस में इनकी सियासी लड़ाई है, इतनी लड़ाई थी कि वो तवज्जो नहीं दे सके। जब जाहिर है कि जिधर हुकूमत की तवज्जो होती है उसी तरफ ब्यूरोक्रेसी भी काम कर रही होती है। हमारा ये तो सिस्टम है नहीं कि भाई इदारे अपने अपने काम कर रहे हो। यहाँ देखा आपने ब्योर्डों को, उनका ब्योर्डों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो ब्योर्डे अवाम की खिदमत के लिए बनाए गए हैं और हर ब्योर्डा अपना काम कर रहा है उसी के मुताबिक, उन्हें हुकूमतों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हमारा सियासी सेटअप इस किस्म का है एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो हर चीज जो है वो हुकूमत की तरफ देखा जाता है, हुकूमत क्या चाहती है, हुकूमत कैसे काम कर रही है, क्या उसने करवाना चाहती है वो करवा ले। लोगों के अवाम के मसाइल जो है वो बुनियादी जमहूरियतों का निजाम क्योंकि फेल हो गया, कोई लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, और लोगों का मसाइल जो लोकल गवर्नमेंट्स से हल करने होते हैं उसका वजूद ही पाकिस्तान में पनपने नहीं दिया गया, इसलिए मसाइल बढ़ते चले गए और मुसलसल बढ़ रहे हैं। खान साहब, ये जो मजहबी नफरत जिस तरह कल भी आप बता रहे हैं कि एक अहमदी को कत्ल कर दिया गया और एक के लिए वहां पे परेशानी खड़ी की गई, इंटरनेशनल मीडिया भी इसे नोट करती है? देखिए इंटरनेशनल मीडिया नोट करती है, लेकिन जिस हुकूमत के साथ बात करनी है वो ही उसको संभालने को तैयार ना हो तो वो क्या करेंगे, बैरूनी प्रेशर क्या कर सकता है। अब वो यही इन्हीं बातों पर आ गए हैं कि वो कर्जे देने बंद कर दिए उन्होंने, अब ये कहते हैं कि कर्जे हमारे जो है वो रीशेड्यूल करो, उसके अंदर पेरिस क्लब भी तैयार नहीं है, दूसरे भी तैयार नहीं, और IMF भी तैयार नहीं है। तो अब मौसम कराए कि ये हालात जब इनके हो जाए, इनके पास खाने पीने को कुछ ना रहे, मुल्क चलाने के लिए ना, फिर ये ऐसी पॉलिसियां बदलें और उनकी लोगों की बातें सुने, वरना मगरब भी यूरोप भी सब प्रेशराइज तो करते हैं उनको कि जो आम शहरी के जो मसाइल है वहां पर और जो मजहबी इंतहा पसंदी है जिससे बाज तबकात की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, मजहबी आजादी दे उनको। लेकिन यह कि ये अभी तक तो इन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया है, अब जबकि हर चीज गले में आ गई है तो मुमकिन है किसी को बात मानने पर तैयार हो जाए। खान साहब, हमारी मीडिया बड़ा शोर डालती है इंडिया में कोई ऐसे मजहबी मामला तो हो जाए या कोई मजहबी नफरत का केस सामने आ जाए, मगर जब अपने मुल्क में होता तो हमारी मीडिया क्यों खामोश फिर रहती? मीडिया तो जिन जिन तबकात के बारे में बात की जाती है ना उन पर खामोश रहती है, क्योंकि मीडिया उनका हिस्सा है इंतहा पसंदी का। अगर मीडिया चाहे मुल्क के अंदर तो इंतहा पसंदाना रुझान खत्म कर सकता है, ये खुद इन मामलात को ज्यादा हवा दे के मीडिया वाले पेश करते हैं ऐसे मामलात को, ये तो खुद उनका पार्ट बने हुए हैं। तो इसलिए इसको इंडस्ट्री के तौर पर चलाया जा रहा है, वो तो ये देखते हैं हमें रेटिंग कहाँ से मिलेगी, हमारे देखने वाले कितने किसकी कौन सी ज्यादा है, मुकाबला बाजी है आपस के अंदर, उसको भी इश्तहार ज्यादा मिलते हैं, तो इसीलिए ये इन मामलात की तरफ उन्होंने आंखें बंद की हुई है। तो इसका मतलब मीडिया भी अपना जो उनका फर्ज है वो ठीक अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये मामलात और ज्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान में सावत एक अरसे से बिकी हुई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो सब पैसा, वो देख जहां से उनको पैसा बनता है वो उधर की खबरें जो है ज्यादा शाया करते हैं। खान साहब, ये आखिर पे बताइए कि जो मजहबी नफरत है इसी तरह चलती रहेगी, आइंदा भी इस तरह के मामला सामने आते रहेंगे? देखिए मुसलसल आ रहे हैं, एक कस्से से जो है ये वाकयात जो आ रहे हैं
और जब से इंतहा पसंदी को रुझान बढ़ा है तालिबान के वहां आने की वजह से अफगानिस्तान में, उन्हें अपने सपोर्टर चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं, उन असलियत पसंद ग्रुप्स को जो है वो ताकत दी जा रही है। और जब तक ये मामला कोई कंट्रोल नहीं करेगा और हालात ऐसे हो गए कि अगर फौज को इस तरफ रुझान हो जाए, उनको समझ आ जाए, तो मुमकिन है वो इस हालात को काबू कर लें, लेकिन कोई आर्जी तौर पर काबू ना करें कि भाई 5 साल के बाद दोबारा ये सर उठा ले, एक मुश्किल पॉलिसी के तहत तभी होगा। अभी भी जो बंदे मारे गए हैं वहां पर कराची वाले वाकये के अंदर, उसमें 2 दहशतगर्द जो है शुमाली वजीरिस्तान से आए थे और एक नकी मरवत से आया था, तो ये जाहिर है कि ये अफगानिस्तान से लगते हुए बॉर्डर के इलाके हैं, वहीं से इनको सपोर्ट दी जा रही है और शेख पसंद तबका जो है उनको भी आगे कामों के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि तो जब उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अगर ऐसे हमले करने का इरादा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, तो फिर जाहिर है कि हर तरफ उन्होंने ऐसे बंदे खिलाए हुए होंगे, इन सबको कंट्रोल करना, इनके ऊपर निगरानी करना ये हुकूमत के बस की बात अब नहीं रही, ये यकीन फौज को ही आगे आना पड़ेगा। खान साहब, आखिर पे एक सवाल है बड़ा अहम, कि काफ़ी अरसे से हमारे पास भी इत्तलात हैं पेशावर में कभी कहीं किसी अहमदी को कत्ल कर दिया जाता है। आज तक किसी मुजरम को सजा भी मिली है? कोई ऐसा केस अदालत तक पहुंचा हो आपकी नज़र में हो? देखिए यही तो रोना है कि भाई तो मुलजमों को सजाएं नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुकदमात में भी और आम दूसरे मुकदमात में भी आम तौर पे दहेज दर छूट ही गए हैं, जिन लोगों ने फौज पे भी हमले किए वो भी अखीर में जाके मुकदमे कई साल चक्कर आखिर में जाके जी गवाह पूरे नहीं है, गवाहों की जो बयान है उसे पूरा साबित नहीं होता, तो इस लिहाज करके सब छूटते रहे हैं, कोई पक्की सजा किसी को नहीं दी सवाए इनके के जिनको हुकूमत ने पकड़ के अंदर किया हुआ है, उन पर मुकदमात नहीं चल रहे, तो वो तो अभी बास तहरीके तालिबान के लोग अभी अंदर हैं, बास जेलों के अंदर, उन पर अभी मुकदमे नहीं चल रहे, अगर अदालतों में जाते हैं तो फिर अखीर वो छूट ही जाते हैं, और एमडीओ के खिलाफ जितने भी केसेस गए हैं उनमें से सजाएं शायद ही किसी को हुई हो। बहुत शुक्रिया खान साहब का आपने टाइम दिया, अपना ख्याल रखें। नाज़रीन, जो जब तक पाकिस्तान का अदल का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, अदलिया अपना किरदार अदा नहीं करेगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। जब आप किसी को कत्ल करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लक रखता है, किसी भी फिरके से तल्लक रखता है, एक इंसान जब कत्ल होता है उसके मुजरमों को सजा नहीं मिलती, और ये सजा ना मिलने की वजह होती है कि माशरे में फिर हौसला अफजाई होती है। वो कहते हैं अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे कौन सा किसी ने मेरा क्या बिगाड़ लेना है। और यही वजह है कि आए दिन पाकिस्तान में तशद्दुद, कत्ल और इस तरह के वाकयात, और फिर मजहबी तौर पर मेरा ख्याल जिस मजहब के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, जिस मजहब के नाम पर ले ले के लोगों को नारे लगा लगा के लोगों को यरगमाल बनाया जाता है या रोका जाता है, परेशान किया जाता है, वो मजहब इजाजत ही नहीं देता इस चीज़ की, वो बिल्कुल इजाजत नहीं देता। इसलिए सबसे पहले हमें उन लोगों को भी ये बताना होगा कि कम से कम मजहब को तो समझें, इंसानियत को तो आप आज तक नहीं समझ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।